नमस्कार दोस्तों, तो आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ पोस्टेक C168। पोस्टेक की तरफ से काफ़ी पुराना मॉडल है। इसमें दो वेरिएंट आते हैं, एक 200 DPI और एक 300 DPI। तो ये देखिए 200+ है, 200 DPI है। तो हम इसको ओपन कर लेते हैं, इसके क्लोज लुक ले लेते हैं और टेस्ट करते हैं कैसी परफॉर्मेंस है, चेक करते हैं। तो आइए देखते हैं इसे ओपन करके। तो देखिए दोस्तों, दिखाता हूँ मैं आपको उसको अनबॉक्सिंग करके। तो इसमें ये आता है आपकी एक सीडी, एक पोस्टेक में फ़ायदा ये होता है कि इसका कोई सा मॉडल ले लो, या तो स्टैंड इनबिल्ट होता है उसमें, या फिर अलग से ऐसा स्टैंड मिलता है जिसमें आप बड़ा रोल भी लगा सकते हैं। तो ये इसका 168 मॉडल है, C168। ये कोड, ये इसकी पैकिंग के लिए थर्माफोम नहीं है, पर ये भी काफ़ी हार्ड है और इसकी पैकिंग काफ़ी सालों से ऐसी आ रही है, तो काफ़ी अच्छा है पैकिंग के मामले में। तो इसकी एसेसरीज है, देखिए अभी तो ये निकला है, बाकी एक्सेसरी इसके नीचे है, ये देखिए ध्यान से। तो पावर एडिप्टर केबल, ये रही हमारे पास, और ये स्टिक है लेबल की, ये रिबन की है, ये इसकी स्टिक होल्डर के लिए, लेबल को होल्ड करके रखने के लिए, इसकी भी हमें ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। और ये अगर 3 इंची लगाना है और बड़े स्टैंड पर रखना है तो ये इसमें लग जाता है, और आप इसमें बड़ा रोल भी लगा सकते हैं, और ये इंडस्ट्रियल प्रिंटर का काम करता है। ये फीचर्स आपको सिर्फ पोस्टेक में मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलते। तो चलिए हम प्रिंटर की तरफ बढ़ते हैं, प्रिंटर देखते हैं अपना, जल्दी से इसको ओपन कर लेते हैं। तो ये हमारा है प्रिंटर, देखिए इसका क्लोज लुक, अनबॉक्सिंग इसी कर चुके हैं, बैक साइड से देखिए। तो यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन है, ये LPT USB पोर्ट है, पावर केबल है, और ये इसमें पॉइंट्स है काफ़ी कुछ, तो इसके बारे में हमें ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, ये अलग अलग चीज़ के लिए होते हैं, हमें बस 2 नंबर डाउन रखना है, और बाकी हम अपना जो भी कमांड देंगे वो इस प्रिंटर से देंगे। इसके ये देखिए डिटेल ये रखी कि किस नंबर से क्या होता है, तो ये इसके अंदर ही छपा रहता है। तो हमने 2 नंबर टीयर ऑफ पे सेटिंग करनी है, और अब इसके अंदर हम रोल और लेबर रिबन कैसे लगता है वो दिखाते हैं आपको, और फिर उसके बाद टेस्टिंग करते हैं। तो सबसे पहले हमें इसे ओपन करना है, इसमें हम रोल रिबन लगाएंगे। अब रोल और रिबन लगाने के लिए इसे जस्ट ओपन करना है, और हमें यहाँ से इसका ये प्रेस बटन है, तो ये रिबन वाला पोर्शन ओपन हो जाएगा बिल्कुल, और ये साइड कर देना है। तो हम रोल लगाएंगे, देखिए 50x25 का लेबल है, ये एक साथ डबल आ रहा है, और इसकी फाइल सेटिंग मैं अपनी पुरानी वीडियो में बना चुका हूँ, तो ये बार टेंडर का कैसे सेट होता है आप मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो हम इसको मीडिया लोड करते हैं C168 का। तो सबसे पहले हमें इसकी ये वाली स्टिक लेनी है और इसमें लगा देनी है बस सिंपली, और इसको बैक साइड में रखना है, ये थोड़ा सा स्टिकर बाहर निकालना है। स्टिकर को नीचे रखने के बाद जब हमने इसको प्रेस करा है, ये देखिए ये यहाँ से आएगा, बस सिंपली पीछे रख, यहाँ से निकलेगा। ये लेबल गाइड है छोटा बड़ा करने के लिए, अगर आपका सिंगल आ रहा है तो ये छोटी हो जाएगी, जैसे मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ बाहर करके। तो ये देखिए मैंने एडजस्ट कर दी, तो ग्रीन वाली ये लेबल गाइड छोटी हो गई है, और अभी हमारे पास एक साथ 4 इंची है, मतलब मैक्सिमम हम यूज़ कर रहे हैं इसका प्रिंटर का। तो ये देखिए अभी ये लूज़ है, तो इसको ना लूज़ होनी चाहिए ना टाइट, तो ये देखिए मैंने इसको टाइट कर ली है, जिसको इसके अंदर ही होना चाहिए लेबल, अगर इधर उधर हुआ तो प्रिंटिंग कटेगी आपकी। और इसको यहाँ से हमें प्रेस कर देना है, स्टार्टिंग में 1-2 लेबल बाहर रखना है, ये हमने लॉक कर दिया है, और ये पीछे यहाँ पे देखिए स्लॉट बना हुआ है, ये स्लॉट है, इस स्लॉट में हमें दोनों तरफ से स्लॉट में रख देना है रोल। ये हमारा रोल लग चुका है, अब हमारी बारी है रिबन लगाने की। तो रिबन के लिए प्रेस करके ये वाला पोर्शन ओपन रखना है, 2 स्टिक है इसके अंदर, अभी मैंने आपको एसेसरीज में दिखाई थी, हम रिबन ले लेते हैं। तो रिबन 300 मीटर तक मैक्सिमम लगता है इसमें। तो रिबन को लगाने का तरीका हमेशा देखें, ये 2 साइड होती है रिबन में, एक ये चमक मार रही है शाइनिंग साइड है, ये दूसरी तरफ फीकी साइड होती है। कोई भी रिबन लेंगे आप, वैक्स लोगे, वैक्स प्रीमियम या जो भी, जितनी भी तरह की क्वालिटी, सब में 2 साइड होती है। तो हमें शाइनिंग वाली साइड ऊपर की तरफ रखनी है, और रफ साइड को नीचे की तरफ रखना है, और ये लेबल गाइड रिबन स्पिंडल लगा देनी है। रिबन स्पिंडल लगाने का इसमें आपको डायग्राम नहीं है, ये वाला हिस्सा राइट में रखना है, बड़े वाला साइनिंग साइड अप होने के बाद, और इसको ऐसे इसमें लगा के, एडजस्टेबल स्प्रिंग है ये देखिए, तो पहले लेफ्ट वाले हिस्से को एडजस्ट करना है,
और ये राइट को इधर लॉक कर देना है। ये देखिए इस ग्रूव में लॉक हो चुकी है। तो ये पीछे हमारा नया रिबन लोड हो चुका है और अब हमें इसको जैसे जैसे यूज़ होगा तो ये वाला रिबन हमारा वेस्ट होता जाएगा। और वेस्टेज को हमें फोल्ड करने के लिए एक एक्स्ट्रा कोर मिलती है, प्रिंटर के साथ आई थी, मैंने दिखाई थी अभी आपको। और ये दूसरी स्पिंडल है, हमें इसमें लगा के इसको को सबसे ऊपर आगे, ये देखिए जैसे जैसे यूज़ होगा ये यहाँ पर आती रहेगी। ये हमने यहाँ लगा दिया है, हमें इसको इसके चिपका लेना है। तो अपना कोई भी एक लेबल ले लेते हैं हम और इसको चिपका लेते हैं और इसको फोल्ड करके हमें देखना है कि प्रॉपर इस पर कवर है कि नहीं है। तो ये हमारा मीडिया लोड हो चुका है, ये देखिए रिबन इस पर प्रॉपर कवर है, पूरा लेबल कवर कर रखा है इसने। पीछे हमारा लेबल लग चुका है, रिबन लग चुका है। अब हम इसको टेस्ट देंगे, जो भी चीज़ प्रिंट होगी वो प्रिंट होकर लेबल बाहर आ जाएगा और यूज रिबन इस पर फोल्ड हो जाएगा। जब ये रिबन ख़त्म हो जाएगा तो हमें नीचे ऐसी कोर निकलेगी, उसको ऊपर लगा देना है और नया रिबन हमें नीचे लगाना है, क्योंकि ये कोर हमें वन टाइम मिलती है प्रिंटर के साथ। दूसरी कोर हमारी इसके अंदर से निकलेगी जो हमने रिबन लगाया है, ये वाली, ये हमें ऊपर लगानी है और जो नया रिबन लगाएंगे वो वापस नीचे लगाना है। तो हमारा ये साइकिल चलता रहेगा कोर का। और कोर आपकी लेबल में से भी निकलती है कोर, पर इसकी कोर पतली होती है, तो कोशिश रखें कि रिबन वाली कोर ही लगाएं, तो इससे फुल टाइट रहता है रिबन और प्रॉपर प्रिंटिंग आती है। चलिए टेस्ट पेज निकालते हैं। तो हमने इसकी ये कनेक्ट कर ली है, ये पावर केबल, ये यूएसबी केबल लगा दी है मैंने, और ये पावर का बटन है, इसे ऑन करना है। और इधर देखिए इसमें लाइट आ चुकी है, अब ये तीनों लाइट जल जाएगी तो ये रेडी हो जाएगा। ये देखिए प्रिंटर रेडी हो चुका है। अब इसमें तीन बटन है, इधर वाले जो फंक्शन है पॉज, फीड और कैंसल, सिंगल क्लिक पे काम करेंगे। जो उस तरफ के जो लिखे हुए हैं सेल्फ टेस्ट, कैलिब्रेशन और रीसेट, उसे हमें 4 सेकंड से ज़्यादा दबा के रखना है तो काम करेंगे। जैसे कि मैं अभी आपको कैलिब्रेट करके दिखाता हूँ, ये देखिए मैं इसको दबा के रखूँगा बीच वाले को 4 सेकंड से ज़्यादा, और ये देखिए अपने आप कैलिब्रेट हो गया है। कैलिब्रेट का फंक्शन होता है कि लेवल सही जगह आके रुके, और जब हम इसको फीड दबाएँ, एक बटन दबाएँ तो एक हमारा एक लेवल ही आ गया है। तो ये हमारा कैलिब्रेट हो चुका है, हमें सेल्फ टेस्ट देना है, इसको दबा के रखना है सेल्फ टेस्ट वाले को। तो ये देखिए इसका सेल्फ टेस्ट आ चुका है, तो ये रेडी है। अब हम बारटेंडर से भी आपको कमांड देके दिखा देते हैं। तो हमने ये फाइल बनानी सीख ही ली है, इसकी वीडियो मैंने आपको हमारे चैनल में जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि फ़ाइल कैसे बनेगी एक साथ डबल लेवल की। तो हम यहाँ पे कमांड देते हैं, ये देखिए इसमें हमने आपको 10 की कमांड देते हैं, और हम तो अपना प्रिंटर सेलेक्ट कर लेते हैं, पोस्टैक C168 कहाँ गया भाई, आपको सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि जो प्रिंटर के साथ सॉफ्टवेयर आता है उसमें आपका पोस्टैक एक ही रहेगा। मेरे पास तो मल्टीपल होते हैं इसलिए मल्टी ड्राइवर हो चुके हैं। तो मैंने यहाँ 10 की कमांड दी है, और ये देखिए शानदार प्रिंटिंग, और ये देखिए 10 लेवल आ चुके हैं, 1 2 3 4 5 5 2 10, एक साथ डबल लेवल है ये। तो धन्यवाद गाइस, और आपको अगर ये प्रिंटर चाहिए तो हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप नियरेस्ट डीलर से पूछ सकते हैं। तो इसकी इंस्टॉलेशन सपोर्ट वगैरह पूरा हमारी तरफ से आपको रहेगा अगर आप हमसे प्रिंटर लेते हैं तो। धन्यवाद।